आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की टीम ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित करनावाला जप्ती गांव पहुंची। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित यह ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या मात्र 1400 है, जबकि यह ग्राम पंचायत ब्लॉक से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वर्तमान समय में इस गाँव के प्रधान सतीश कुमार हैं। लगभग 1038 की कुल वोटर संख्या वाला यह गाँव बेहतर स्थिति में नजर आता है। बात अगर इस गाँव में शिक्षा की करें तो जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 90 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो जाना कि ग्राम प्रधान द्वारा पानी की आपूर्ति कराने के लिए गांव में लगभग 22 हैंडपंप लगवाए गए हैं, वहीं 10 हैंडपंपों की अभी भी सरकार से मांग है, जबकि बिजली की आपूर्ति कराने के लिए गांव में बिजली के 3 ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा गांव में 270 मीटर सीसी टाइल सड़कों का निर्माण कराया गया है, वहीं खड़ंजे का निर्माण कार्य भी जारी है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में शौचालयों का निर्माण भी करवाया जा चुका है, जिसको ग्रामीणों में वितरित भी किया गया है, जिससे गांव को शौचमुक्त बनाया जा सके। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा 3 लाख का कार्य स्कूल में करवाया गया है, तो साथ ही 2 रिबोर कार्य भी कराए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में शमशान घाट का निर्माण कराएं, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों का भी हाल गांव में बदहाल स्थिति में पड़ा नजर आता है, इसकी भी व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं। वहीं पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां भी सरकार से मांगी हैं। मैं सतीश कुमार, ग्राम प्रधान, ग्राम करनावल जप्ती, ब्लॉक ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद से मैं ग्राम प्रधान हूँ। मैंने अपने गांव में अनेक विकास कार्य किए, जिनमें 300 मीटर लगभग टाइल्स का कार्य किया, 200 मीटर खड़ंजा निर्माण किया, 12 प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराए जो कि मैंने गरीबों को उपलब्ध कराए, और स्कूल में टाइल्स का कार्य किया, स्कूल की व्यवस्था, बच्चों को बैठने की रंगाई पुताई मैंने बढ़िया की, और मैंने ऐसे अनेक कार्य किए, सफाई पे विशेषकर ध्यान दिया। परंतु मुझे मेरे गांव में धन के अभाव होने के कारण मैं विकास कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वह मेरे गाँव को अधिक मात्रा में धन दे, जिससे मैं गांव की पूर्ति और समस्त विकास कार्यों को मैं कर सकूं। मेरे गांव में 60 शौचालय अब तक पूर्ण हो चुके हैं, 120 पर कार्य चल रहा है, और लगभग एक पंचायत भवन की मुझे आवश्यकता है। मेरे गांव में कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था बनाए हुए हैं उसके भी, शमशान घाट और शमशान घाट को जाने वाले रास्ते की हमें सख्त आवश्यकता है, क्योंकि शमशान घाट हमारा नदी के किनारे पड़ता है और नदी में होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें बरसात के दिनों में हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने भी कैमरे से बात करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की तारीफ की और बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है। मेरा नाम किशन दई, करनावाला जप्ती के रहने वाली, इंदिरा विकास की कॉलोनी, प्रधान जी ने बढ़िया काम करवाया। मैं धर्मेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल करनावाला जप्ती। हमारे स्कूल में हमारे गांव के प्रधान जी के श्री सतीश कुमार के द्वारा ग्राम पंचायत की निधि से स्कूल में अनेक कार्य कराए गए हैं, जिनमें स्कूल में टाइल्स लगाई गई हैं और वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इसके साथ साथ विद्यालय प्रांगण में पुताई का कार्य कराया गया है और ग्राम पंचायत निधि से स्कूल की व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया है और स्कूल अब पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छी स्थिति में आ गया है।